व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है। यहाँ पर देखेंगे हम क्या क्या फंक्शन है हमारी पार्लियामेंट के, अपनी पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पार्लियामेंट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको बोलते हैं संसद। जो हमारी संसद है वो क्या क्या काम करती है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले लेक्चर आप लोगों को ये पता होना चाहिए पार्लियामेंट की जब बात करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर में आता कौन कौन है। पार्लियामेंट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे हो गए प्रेसिडेंट। तीनों यहां पर पार्लियामेंट के पार्ट हैं, ठीक है। और जब बात आती है यहां पर पार्लियामेंट की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अपोजिशन को कई बार आप लोग इग्नोर कर देते हैं। अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट आ गया, लोकसभा और राज्यसभा पूरा आ गया, तो इसका मतलब हर एक मेंबर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो सांसद है हमारे वो सारे यहां पर पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट के अंदर आ गए हुए एक्चुअल में, ठीक है ना। तो अगर पार्ट की बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि जब तक यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद में किसी भी बिल पर साइन नहीं हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, तब तक वो एक्ट नहीं माना जाता है। तो प्रेसिडेंट को एज ए प्रेसिडेंट ऑफिस के रूप में यहां पर देखा जाता है। सारा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था इसके बारे में जब हम लोग प्रेसिडेंट वाला लेक्चर डिस्कस कर रहे थे। ओके, आइए अब यहां पर फंक्शन देखते हैं किस किस तरीके से क्या क्या फंक्शन हमारी पार्लियामेंट करती है या हमारी संसद क्या क्या फंक्शन करती है। तो टोटल अगर मोटा मोटा मैं आप लोगों को बोलूं ये फंक्शन है आप लोगों के सामने, ये 7 लेवल में डिवाइड किए गए हैं। पूरा लेक्चर हमारा इन फंक्शन के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो 7 पोर्शन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला हो गया लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्या क्या यहां पर रूल और लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कौन इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है। फाइनेंशियल फंक्शन कौन कौन से है, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, जुडिशियल फंक्शन हो गए, इलेक्ट्रोल से रिलेटेड फंक्शन हो गए और कुछ ऐसे फंक्शन हो गए जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनको इन ऊपर वाले 6 की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो टोटल इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी पार्लियामेंट जो संसद है वो 6 फंक्शन में टोटल इसके टोटल मोटा मोटा आप लोग बोल सकते हैं इनको डिवाइड किया गया है। एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर कोई पार्लियामेंट के बारे में कोई पूछे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। आप लोग सिटीजन है कंट्री के, तो इसलिए बींग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी संसद के क्या क्या फंक्शन है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि भैया पढ़े लिखे इंसान हो पार्लियामेंट के बारे में कुछ बताओ यार क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम पार्लियामेंट करती है, तो कम से कम मोटा मोटा आप लोग किसी भी को भी बता सको यहां पर। इतना तो आप लोगों को सिटीजन होने के नाते नॉलेज अपनी पार्लियामेंट के बारे में होनी ही चाहिए। पहले देख लेते हैं यहां पर लेजिस्लेटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। तो क्या क्या लेजिस्लेटिव फंक्शन और पावर है यहां पर, तो पहले हम लोग इसके बारे में जिक्र करेंगे। यहां पर लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब ये किस तरीके से यहां पर लॉ वगैरह बनाते हैं, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कार्यपालिका यहां पर होती है किस तरीके से काम करती हुई नजर आती है जब लॉ बनाने की बात आती है इनकी, ठीक है। तो लॉ बनाते हुए देखेंगे हम लोग किस तरीके से वर्क करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए प्राइमरी अगर फंक्शन की बात की जाए तो यहां पर क्या काम होता है कि किस तरीके से लॉ बनाना है और वो लॉ हमारी कंट्री के लिए सुटेबल है नहीं है ये देखने का काम रहता है इनका, एक प्रॉपर वे का यहां पर लॉ बनाया जाता है। और लॉ किन किन आइटम पर बनाती है, जो यूनियन लिस्ट में आइटम आते हैं उन पर बनाती है। नॉर्मली 3 लिस्ट आप लोगों के सामने है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाते हैं, सेंट्रल लिस्ट में सेंटर बनाते हैं, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बनाते हैं। तो यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट है उनके ऊपर ये लॉ बनाती हुई आती है, मतलब आज के डेट में इसमें 97 है, ओरिजिनली 100 सब्जेक्ट थे। पहला तो पॉइंट ये याद रखिएगा। रेजिडुअरी सब्जेक्ट जो यहां पर ना तो इन किसी भी लिस्ट में इन पे नहीं आते हैं, कोई नया अगर इशू निकल कर आ रहा है वो पार्लियामेंट के अंडर में आएगा। अगर बात आती है कनकरेंट लिस्ट की तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कनकरेंट लिस्ट में आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा 52 सब्जेक्ट है, ठीक है। ओरिजिनली आप लोगों को 47 यहां पर देखने को मिलेंगे। तो हाँ एक बात आप और याद रख सकते हैं यहां पर, जिस तरीके से ये ओरिजिनली सब्जेक्ट की बात की जा रही है और जिस तरीके से प्रेजेंट सब्जेक्ट की बात की जा रही है ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग। तीनों लिस्ट के यहां पर मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में, ठीक है। बात करें अगर स्टेट लिस्ट की आप लोगों को देखने को मिलेगा कितने थे यहां पर प्रेजेंट सब्जेक्ट, यहां पर 61 है। ओरिजिनली कितने थे यहां पर, ओरिजिनली आप लोगों को 66 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएगा कुछ सब्जेक्ट यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए थे कनकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो ये इसलिए आप लोग यहां पर देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट यहां पर 47 थे ना पहले, आज के में कितने 52 हो गए यहां पर, तो 5 सब्जेक्ट यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, तीनों लिस्ट के याद रख सकते हैं। स्टेट के हो गए 61, पहले थे 66, यहां पर हो गए करंट लिस्ट कंटेंट लिस्ट के हो गए 52, पहले थे 47 और यहां पर यूनियन लिस्ट में हो गए 100, पहले थे 97। तो ये टोटल आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटा पता होना चाहिए। वैसे डिटेल में इनको मैं पढ़ा चुका हूं, इसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं। जो नए स्टूडेंट है आज ही जुड़ रहे हैं लेक्चर के साथ में वो जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएगा लिंक सब लेक्चर का, आप लोग जाकर वहां पर लेक्चर देख सकते हैं। देखिए यूनियन लिस्ट में लॉ बनाती है, रेजिडरी में पावर हो ही गई है इनकी, जो रेजिडरी का मतलब जो रेजिड्यू बच जाता है रिमेनिंग सब्जेक्ट जो किसी लिस्ट में नहीं आती है। और जब बात आती है कनकरेंट लिस्ट की, जो कनकरेंट लिस्ट में भी इसके हाथ में पावर आ जाती है। स्टेट लिस्ट में कब पावर आती है तो उसके बारे में आप लोग यहां पर सर्कमस्टेंसेज आप लोगों के सामने है। सबसे पहले तो जब कोई राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर देती है कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर मैटर है इस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो एक तो उस पे लिस्ट में बनाती है,
दूसरी बात, जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ये नेशनल इमरजेंसी वाला जब मैं लेक्चर ले रहा था तब आप लोगों को डिटेल में मैंने ये बात बताई थी कि किस किस तरीके से हमारा जो फेडरल सिस्टम है यूनिटरी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब इमरजेंसी लगती है, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। बात करते हैं इसके अलावा, अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें अगर पार्लियामेंट से कि भाई साहब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप लोग इस पे लॉ बना दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो तब रिक्वेस्ट करते हैं अगर सारे, तो तब भी यहां पर बन जाता है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, कन्वेंशन है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी यहां पर पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है इंप्लीमेंट करने के लिए, उसके ऊपर लॉ बनाया जाता है। प्रेसिडेंट जब रूल लगा दिया जाता है तो यहां पर ऑपरेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तब भी यहां पर पावर पार्लियामेंट के हाथ में यानी कि सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो मोटा मोटा ये पांच एरिया आप लोग याद रख सकते हैं जब सेंटर यहां पर स्टेट लिस्ट के तहत यहां पर पावर आ जाती है लॉ बनाने की। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा चुका है पास्ट में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग से मैंने आप लोगों को बताया, इसको थोड़ा याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस इशू करने की जब बात आती है आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जब ऑर्डिनेंस 6 वीक के बाद में लैप्स होने की बात आती है, उससे पहले यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा इसको अप्रूव करना होता है, ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के अंदर आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, रिविजन जरूर करते रहिए यार, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, जिसको नया नया लग रहा है उसको बहुत सख्त जरूरत है रिविजन करने की, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कई बार, ओके। और देखिए अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी ऐसा लगे ना कि नया नया लग रहा है, तो इसका मतलब सीधा पहुंच जाइए कि खतरे की घंटी बज रही है सर पे, तभी आप लोगों को तुरंत रिवीजन आप लोगों का अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात यहां पर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन की। एग्जीक्यूटिव का मतलब एग्जीक्यूट करना, जो प्रोग्राम बनाए गए उनको इंप्लीमेंट करने की बात आती है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट की अगर आप लोग बात करें तो एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट की, आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी एक्ट और जो भी लॉ बनाए जाते हैं उनके लिए इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। पार्लियामेंट वैसे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कंट्रोल करके चलती है, पर पार्लियामेंट से भी कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट की यहां पर नॉर्मल बात की जाए, एग्जीक्यूटिव से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आर की बात कर लीजिए, हाफ एन आर की बात कर लीजिए, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हूं। तो यहां पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो ये हथियार है कहीं ना कहीं अपोजिशन के हाथ में जब यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उस पर पार्लियामेंट के जो अपोजिशन होती है उसके द्वारा, ठीक है। मिनिस्टर की अगर बात की जाए, क्वेश्चन अलग से बन चुका है, उठा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो रेस्पॉन्सिबल है यहां पर पार्लियामेंट के, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है इन जनरल, और जब बात करें इन पर्टिकुलर तो लोकसभा के रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर जनरली नॉर्मली बोले तो हाँ पार्लियामेंट के रेस्पॉन्सिबल है, जी हाँ पार्लियामेंट के रेस्पॉन्सिबल है, क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही लोकसभा होती है। अगर बात करें पर्टिकुलर लोकसभा की तो लोकसभा के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए जो नुमाइंदे होते हैं वो डायरेक्ट लोकसभा में पहुंचते हैं, इसलिए लोकसभा को जरूर रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्टली अगर देखा जाए तो, ठीक है। बात करते हैं जब यहां पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आती है, तो कई सारे ऐसा टाइम होता है जब यहां पर अगर ये चीजें पास नहीं हो पाती है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यहां पर देखा जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट अगर ये पास नहीं कर पा रही है तो गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है भैया, उनको गवर्नमेंट को यहां पर पावर में रहने का कोई हक नहीं है। अगर यहां पर बात आती है अगर नोट पासिंग मोशन थैंक्स ऑफ द प्रेसिडेंट को जब इनॉग्रेटेड सेशन होता है उसमें अगर ये मोशन पास नहीं होती है, एक तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब मोशन पास होनी चाहिए, इसका मतलब मेजोरिटी है तो मोशन पास होनी चाहिए। मनी बिल आ गया, मनी बिल अगर रिजेक्ट कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी तरीके से, आप लोग देखने को मिलेगा लोकसभा में मनी बिल पास नहीं हुआ, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, अगर मेजोरिटी होती तो मनी बिल पास हो जाता। इसके द्वारा अगर बात की जाए पासिंग द सेंश्योर मोशन या फिर एडजर्न मोशन, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर यहां पर ये पावर रहेगी तो यहां पर ये चीजें सब इसके कंट्रोल में रहेंगी, मनी बिल भी यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब थैंक्स की बात आती है प्रेसिडेंट को इनॉग्रेटेड एड्रेस में, वो सारी बात रहेंगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इशू है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर गवर्नमेंट हार जाती है तो तब भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया गवर्नमेंट पावर में नहीं है। और ये मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था एक दो लेक्चर के पहले ही कट मोशन के बारे में, कट मोशन भी यहां पर पास अगर हो जाती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट ने बजट में पास किया कि इस स्कीम को हमको इतना पैसा देना है और फिर यहां पर अपोजिशन ने आके उस पैसे को कट कर दिया, बोले कि इतना आप लोग यहां पर नहीं दे सकते इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया गवर्नमेंट के मुंह पर तमाचा हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया गवर्नमेंट यहां पर पावर में नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे अगर कट मोशन पास हो जाती है तब भी गवर्नमेंट यहां पर पावर में नहीं है, ये बात यहां पर आप लोगों के सामने निकलकर आएगी, तो ये भी यहां पर पास होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर फाइनेंशियल पावर के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी जब बात आती है गवर्नमेंट का पूरा साल चलाने की। गवर्नमेंट के पास में अगर मनी नहीं होगी तो कैसे यहां पर पूरा साल चलेगा, उसी के लिए आप लोगों के सामने आता है बजट निकलकर।
पहले अभी मैंने लेक्चर लिया है कि सारे बजट के मैंने प्रोसीजर आप लोगों के सामने यहाँ पर समझाए थे कि क्या क्या यहाँ पर स्टेप है, जिसमें हमारा टोटल आप लोगों को मैंने 6 स्टेप बताए थे, हमारा बजट कंप्लीट होता है। वो जाकर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, टोटल डिटेल में मैंने आप लोगों को 6 स्टेप बताए थे वहां पर हमारे बजट को प्रस्तुत करने के। आप लोगों के सामने यहाँ पर अब प्रस्तुत किया जा रहा है कि फाइनेंशियल पावर में यहाँ पर क्या क्या बातें देखने को मिलती है। तो पहले बजट का आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहता है यहाँ पर जब फाइनेंशियल मैटर की बात आती है, दो स्टेज पे। पहला तो होता है बजटरी कंट्रोल, मैंने आप लोगों को टोटल डिटेल में पढ़ाया किस तरीके से बजट को पास किया जाता है, तो पूरा यहाँ पर पावर आप लोगों को देखने को मिलती है। पोस्ट बजटरी कंट्रोल की भी यहाँ पर पावर देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आप लोग दो वर्ड यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक तो हो गया रूल ऑफ लैप्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा हो गया मार्च रस, दोनों डिटेल में बताता हूं। बात करते हैं पहले रूल ऑफ लैप्स की। अगर मान लीजिए आज इस मतलब ये अभी ईयर चल रहा है, जैसे इस ईयर के लिए गवर्नमेंट को यहां पर जो पैसे दिए गए वो 100 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है ना, आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए खर्च करने के लिए, ठीक है, पर ये जो पैसे हैं इनके द्वारा ओनली 90 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए, तो 10 करोड़ रुपए जो बच जाएंगे वो यहां से वापसी कंसोलिडेटेड फंड में पहुंच जाएंगे। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड और ये सारे जो मैंने आप लोगों को सारे फंड डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तीनों के तीनों फंड जाकर आप लोग देख सकते हैं लेक्चर। तो जितना भी पैसा यहां पर बचेगा, जो 10 करोड़ बच गया, वो डायरेक्ट यहां पर पहुंच जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और वहां से पैसा निकालने के लिए फिर से आप लोगों को पता है क्या प्रोसीजर होता है, पूरे डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ लैप्स, मतलब इतना पैसा ऐसा नहीं है कि उसको रिजर्व कर लेंगे, वो इस पैसे को उनको इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ये डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा, फिर से बजट जब आएगा फिर से इसको वहां से निकाल के लेके आना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है एक पूरा, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लैप्स, मतलब 10 करोड़ बच गए डायरेक्ट वहां पर कंसोलिडेटेड फंड में पहुंच गए। सेकंड है यहां पर मार्च रस, वो क्या करती है गवर्नमेंट, स्टार्टिंग में मान लीजिए खर्च नहीं किया है, फिर क्या करती है जब लास्ट आते हैं यहाँ पर टाइम, मतलब फरवरी और मार्च का टाइम आता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर मैंने आप लोगों को बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खत्म होता है, ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में मार्च के पास में आते हैं, तो पैसा बचा हुआ मान लीजिए 100 करोड़ में से इन्होंने खर्च कर दिया 50 करोड़, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो 50 करोड़ बच गया वो 50 करोड़ ये कोशिश करते हैं कि फरवरी और मार्च में ही निपटा डालें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मार्च रस, मतलब रस में आ गए गवर्नमेंट, अब दिख रहा है बस किसी भी तरीके से सारा खर्च कर डाले, तो ये इसको कहते हैं मार्च रस। तो दोनों ही टर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं कई बार, ओके। तो इस तरीके कुछ टर्म्स जो टेक्निकल होती है आप लोग थोड़ा ध्यान देकर सुना कीजिए। नेक्स्ट बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की। जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर आती है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट में, अच्छी खासी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। पर लेकिन ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल में डिस्कस किया था जब बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, उस टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप लोग अमेंड कर सकते हैं पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये केस निकल के कौन से केस से निकल कर आया था ये कमेंट बॉक्स में चलिए बता ही दीजिए, नीचे बताइए कौन सा केस था जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था हमारी कंट्री में। बहुत फेमस केस है आप लोगों के सामने, ये पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर देता है ये अमेंडमेंट करने की। मतलब वैसे तो बोलता है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है पर लेकिन दूसरी साइड में ये भी बोल देता है कि वो इतना अमेंड नहीं कर सकती कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करते। तो तीन तरीके से यहां पर अमेंड किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी देखने को मिलेगी, स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी के साथ में भी आप लोगों को स्टेट का कंसर्न यहां पर नजर आएगा जब लेना पड़ेगा। तो सिंपल मेजोरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी 50% प्लस वन, यहाँ पर आप लोगों को मेजोरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 की बात आ जाती है और यहाँ पर जब स्टेट की बात आती है स्टेट को भी यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा और ये वाला पोर्शन स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। तो स्टेट भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेंडमेंट में स्टेट का क्या रोल प्ले होता है, तो ये रोल प्ले होता है अगर कोई अमेंडमेंट होता है तो स्टेट से पास होना होता है, तो ये यहाँ पर भी ये पिक्चर में आ जाता है। या फिर बात आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, नीचे कमेंट बॉक्स में चलिए ये भी आंसर दीजिए हमारे कितने स्टेट ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं जुडिशियल फंक्शन की। जब बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने लेक्चर लिया था इंपीचमेंट करने के बारे में। इंपीचमेंट किया जाता है जब प्रेसिडेंट को जब वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रेसिडेंट को किसके गुनाह में उसको इंपीच किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उल्लंघन कर देता है हमारा प्रेसिडेंट तब हम उनको इंपीच करते हैं। रिमूव करने की बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की अपने ऑफिस से, तो भी यहां पर आप लोगों को जुडिशियल फंक्शन नजर आएगा। इसके अलावा रिकमेंडेशन दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव करने की, जब यहां पर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की बात की जाती है या जज को, ये मैंने डिटेल में लेक्चर लिया है अभी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा या फिर इलेक्शन कमीशन को आप लोगों को देखने को, या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनमें से किसी को भी जब हटाने की बात आती है तो भी आप लोग देख सकते हैं इंपीचमेंट का प्रोसेस इसको यहां पर स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। जब पनिश करने की बात आती है प्रिविलेज मोशन के लिए, तो यहां पर आप लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो भी जुडिशियल फंक्शन आप लोगों के सामने यहां पर नजर आएगा। तो ये कुछ एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के जुडिशियल फंक्शन। ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि क्या क्या यहां पर जुडिशियल फंक्शन है हमारी पार्लियामेंट के, तो ये फंक्शंस भी आप लोगों को थोड़ा पता होने चाहिए।
नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोल पावर की और फंक्शंस की, ये क्या है, ये है किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। तो पार्लियामेंट के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्टिसिपेट करती है यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चुनने की बात आती है, डिप्टी चेयरमैन को चुनने की बात आती है, इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर रेगुलेट करना है, इनका लॉ बनाना है, इनसे रिलेटेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड लॉ बनाना है कि किस तरीके से यहाँ पर, किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप लोगों को बताया था, किस तरीके से कौन से एरिया में कितनी कितनी पॉपुलेशन पे कितनी कितनी सीट्स होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट के हाथ में इससे रिलेटेड पावर रहती है। तो पार्लियामेंट के हाथ में पावर आती है और इसी से रिलेटेड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात आए तो इलेक्शन एक्ट 1952 आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 50 और 51 दोनों ही डिटेल में डिस्कस किए थे। तो ये भी यहां पर पिक्चर में आते हैं किस तरीके से इलेक्शन कराने हैं, क्या क्या यहां पर पार्टी की पावर होती है और क्या क्या यहां पर हम जैसे जो कैंडिडेट इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं हमारी पावर होती है। तो वो सारी बातें भी यहां पर पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा किसके हाथ में आती है, पार्लियामेंट के हाथ में आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी पावर है। ये पावर होने के बाद में कुछ ऐसी पावर बच जाती है जो इन छह के अंदर में नहीं आती है, तो वो थोड़ी सी अलग पावर है, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। और ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा जो लेक्चर स्टार्टिंग से सुन रहे हैं कि ये डिटेल में आप लोग कहीं ना कहीं हम लोग इनको डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फंक्शन कौन कौन से यहाँ पर, जैसे नेशनल इमरजेंसी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का अगर कोई यहाँ पर चीज है तो वहां पर इसमें पिक्चर में आ जाता है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट वगैरह है, तो इस तरीके की पावर अगर कोई होती है डिस्कस किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वगैरह हो गए या कोई नया एग्रीमेंट आ रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंप्लीमेंट करने की बात आ रही है तो हमको उसमें एंट्री नहीं मिल पा रही है काफी दिनों से, क्या क्या उसके ऊपर डिस्कस करना है, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोग ये बताइए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में अगर लगाई गई है आज तक तो कितनी बार लगाई गई है, ठीक है, क्वेश्चन जाकर देखिएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव क्रिएट करनी है या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके बारे में भी यहां पर आप लोगों को एबोलिश करने की जब बात आती है पावर यहां पर आ जाती है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंक्रीज या डिक्रीज करना है किसी स्टेट का एरिया या यूनियन टेरिटरी का, इसके बारे में डिस्कस करने की पावर भी यहां पर आ जाती है, या फिर नाम चेंज करना है किसी का, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेगुलेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर किसी स्टेट के लिए दो या तीन स्टेट के लिए सिंगल कॉमन हाई कोर्ट यहां पर स्टेब्लिश करना है, क्योंकि हमारी कंट्री में आज के डेट में 24 हाई स्टेट है और 29 हमारे आज के डेट में स्टेट है हमारी कंट्री में, तो कुछ तो स्टेट ऐसे होंगे ना जिसका कॉमन हाई कोर्ट होगा, तो किस किस स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट होना है, ये सारी बातें किसके हाथ में पावर आ जाती है, ये भी पावर हमारे पार्लियामेंट के हाथ में आ जाती है। तो ये थे यहाँ पर मोटे मोटा फंक्शन, सारे फंक्शन का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, टोटल मिलाकर बड़ा बड़ा तो यहाँ पर 6 फंक्शन है और साथ ही फंक्शन में थोड़ी इर्द गिर्द की पावर भी दे रखी है। कई बार अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी पूछे तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन माइंड में किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए अगर कोई आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक होकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि आने वाले टाइम में मैं उसको इंप्रूव कर सकूं। इसके अलावा देखिए लेक्चर वगैरह शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे ताकि सबको फायदा हो जाए, और इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पानी को भी ज्यादा से ज्यादा सेव कीजिए, और पॉलिथीन वगैरह जो होती है उसको कम से कम यूज कीजिए, इससे काफी फायदा होगा हमारे एनवायरमेंट को भी और आप लोगों को भी, वरना आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, कम से कम इतना तो हमारी ड्यूटी बनती ही बनती है। राइट की हम लोग हमेशा बात करते हैं, कभी कभी ड्यूटी की भी बात कर लेनी चाहिए हम लोगों को, जो ड्यूटी हमारी है हमको उनको फॉलो करके चलना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं बिगड़ेगा आप लोगों का अगर आप लोग किसी को पढ़ा भी देंगे, जो भी चीजें आप लोग यहां से सीखते हैं वो किसी को जाकर पढ़ा भी दिया कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।